She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, 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 real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? ओके ना, तो आगे वैसे ही ओके रहना, सेफ रहना। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पहले से ही मालूम चल गया होगा क्या आज की वीडियो में हम बात करने वाले रोटेशन ड्रैग पे। और मैंने इस पे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, लेकिन आज का हमारा वीडियो बहुत ही मस्त, फ्रेश और कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सप्लेन करके पूरी तरह से कि कैसे आप कैसे वन टैप हेडशॉट मार सकते हो रोटेशन ड्रैग का यूज़ करके। अगर आपका डिवाइस लो एंड डिवाइस है, जैसे कि 2, 3 या 4 GB रैम का है, तब भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से वन टैप मार सकते हो, बिल्कुल लेजेंड्स की तरह वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। क्योंकि मैं भी अभी 2 GB रैम के डिवाइस पे खेलता हूँ, तो मैं आपको समझ सकता हूँ कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ता होगा। तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप थोड़ा भी अगर मिस कर दोगे तो आप बिल्कुल भी वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे, रोटेशन ड्रैग आप नहीं कर पाओगे। तो बिना आपको पकाए चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल्स की ओर। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो दोस्तों, रोटेशन ड्रैग के ट्यूटोरियल्स की ओर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या सेटिंग्स रखना है, किस टाइप से आपको सेटिंग्स में रखना है। तो सबसे पहले अपने सेटिंग्स में जाके आपको सबसे पहले जनरल को 100 कर लेना है। उसके बाद अपने कस्टम मोड में कोई भी छेड़छाड़ मत करना, कस्टम मोड आपके जो भी आप जिस पे पहले खेलते तो उसी पे रखना। बस आपका जो राइट फायर बटन है उसको आप ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे आप सबसे कम्फर्टेबल करके आप क्लिक कर पाते होंगे, बस वहीं पे आपको राइट फायर बटन रखना। और हम चलते हैं अब हमारे ट्यूटोरियल्स की ओर। दोस्तों, ध्यान से देखना और समझना, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कुछ भी कमेंट में बकते रहोगे, तो आपको ध्यान से देखना। तो गाइस, रोटेशन ड्रैग के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, पहला है लेफ्ट वाला और दूसरा है राइट वाला और एक है डाउन से अप करने वाला, उस पे मैं बाद में बात करूंगा। और तीनों के तीनों में आपको सेम टू सेम करना होता है कि आप में जो भी ट्रिक होता है उसका एकदम सेम करना होता है, बस इसमें डिफरेंस थोड़ा ये रहता है कि आपका एनिमी का पोजीशन जिस टाइप से है उस टाइप से आपको इसको ड्रैग करना पड़ेगा, रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा। तो जब अगर आपका एनिमी आपके क्रॉस हेयर से लेफ्ट साइड में है, यानी आपके कैरेक्टर से लेफ्ट साइड में है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको तब करना पड़ेगा लेफ्ट वाला रोटेशन ड्रैग। तो आपको लेफ्ट वाला रोटेशन ड्रैग कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपने राइट फायर बटन को जो होता है उसको थोड़ा सा लेफ्ट करके, यानी टिक जैसा होता है ना, उसको थोड़ा सा राउंड करके उस टाइप से आपको मूव करना है। पहले लेफ्ट कर देना, उसके बाद स्लाइटली अप करना है और इसको थोड़ा सा फास्ट आपको करना पड़ेगा और इस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें मास्टर कर पाओगे। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मल जो रोटेशन रहेगा तो हम कर लेते, लेकिन मूवमेंट के साथ नहीं कर पाते, तो उसके लिए आप जो है क्विक वेपन स्विच का पक्का यूज़ किया करो रोटेशन के बाद, उससे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है रोटेशन ड्रैग का, आप अच्छे से वन टैप मार पाओगे रोटेशन ड्रैग से और तुरंत आप मूवमेंट भी कर पाओगे ये बहुत इजीली से। और लेफ्ट रोटेशन ड्रैग में बहुत ही कम चांसेस होता है कि आपका बुलेट जो एनिमी के हेड पर ही जाए, और इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी कम मिलता है क्योंकि आपका जो एम है हमेशा राइट साइड से ड्रैग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बना हुआ रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें भी माहिर बन जाओगे और आप लेजेंड्स की तरह इसमें भी आप कर पाओगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे राइट साइड के रोटेशन ड्रैग के बारे में। इसमें आपको बिल्कुल सेम चीज़ करना पड़ता है, इसमें भी आपको सेम रहता है, बस इसमें आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहता है कि आपका बुलेट जो है हमेशा एनिमी के हेड पे लगे। और सारे प्रो प्लेयर्स यूज़ करते हैं हमेशा राइट, जो राइट साइड का जो है रोटेशन ड्रैग, इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप कैसे करना है। तो आपको ये सब करना है, आपके जो होता है ना क्रॉस हेयर बीच में जो रहता है आपका वाइट, जो आप इसको एम भी बोलते होंगे, उससे अगर आपका एनिमी अगर आपका राइट साइड में है तब आपको ये करना है। और इसमें करने के लिए आपको बिल्कुल सेम करना पड़ता है, आप थोड़ा सा राइट से उसको मूव करना, एनिमी के बॉडी तक कम से कम लेके जाना ड्रैग करके राइट साइड से, उसके बाद स्लाइटली अप कर देना, वो भी थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा आपको, तभी ये हो पाएगा। और इसमें करने के बाद तुरंत आपको कोई ओपन स्विच नहीं तो आप जो गन बॉक्स से करते हुए करके आप स्प्रिंट कर देना, ये आपको अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छे से आप कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे और ये पक्का आप सीख पाओगे। और बहुत ईजी है, मैं भी पहले मुझे को लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैंने जैसे ही प्रैक्टिस करना सीखा और
धीरे धीरे करते रहा और मैं बहुत अच्छा अभी कर पाता हूँ, मेरे नज़र में तो बहुत अच्छा कर पाता हूँ। और मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस करता रहूँगा ताकि आपको भी सिखा पाऊँ और खुद भी सीख पाऊँ। तो मुझे लगता है आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट रहा हो तो आप पक्का कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई पक्का दूंगा। आज का वीडियो का टॉपिक इस भाई ने मेरे को कमेंट किया था तो मैं इसको बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूँ, इन भाई को बहुत बड़ा शाउट आउट। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको अपने अगले वीडियोस में शाउट आउट दूँ तो बस आपको एक कमेंट करना है प्यारा सा, और उसमें बताना है आपको जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या रहना चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये बस आपको कमेंट करना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना, आपका ही फ़ायदा होगा, मैं इस टाइप के वीडियोज़ और भी बनाता रहता हूँ। नहीं गजब बेइज्जती है। और अगर आपको लगता है कि आपका कस्टम मोड में कहीं गड़बड़ी है और आप थ्री फिंगर पे या शिफ्ट होना चाहते हो या फिर आप कोई भी कस्टम मोड बनाना चाहते हो अपना खुद का, तो मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और आप सुपर जंप सीखना चाहते हो जो रोटेशन डेस्क से पहले किया जाता है, तो मेरी राइट वाली वीडियो देखो। ओके, तो टेक केयर एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।